वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। एक टाइम था जब बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक कॉमेडी मूवीज आती थी, जिन्हें हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखते थे और इंजॉय करते थे। बट आज कॉमेडी के नाम पर हम जो बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, उन्हें देखकर हमें क्या पता चलता है? ये तो टट्टी है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ हॉलीवुड की 5 ऐसी कॉमेडी मूवीज के बारे में, जिन्हें देखकर आप ना सिर्फ इंटरटेन होंगे बल्कि हंसते हंसते बौरा जाएंगे। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। नंबर 5 पर आती है मूवी हाउ वी हैलोवीन। ये मूवी आई थी साल 2020 में। मूवी 1 घंटे 42 मिनट की कॉमेडी मूवी है। मूवी की स्टोरी बेस्ड है हूबी डूबी नाम के कैरेक्टर पर। हूबी हर साल हैलोवीन के लिए बहुत सारी तैयारियां करता है। शहर में कोई भी गलत काम हो रहा होता है तो वो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देता है और पुलिस की हेल्प करता है। लेकिन इस साल हैलोवीन पर उसके शहर से मिस्टीरियस तरीके से कई सारे लोग गायब हो जाते हैं, तो आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, ये देखना है हमें मूवी में। ये मूवी 1 टाइम वॉच है। नंबर 4 पर जो मूवी है वो है द नाइट स्कूल। दोस्तों ये मूवी आई थी साल 2018 में। मूवी की लेंथ 1 घंटा 50 मिनट है। ये मूवी 1 नंबर की कॉमेडी मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.6 की। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है टेडी वॉकर नाम के एक सेल्समैन की, जिसे एक एक्सीडेंट के चलते नाइट स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है और जिसके कारण उसकी लाइफ में क्या क्या होता है, ये देखना है हमें मूवी में। मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और मेरी पर्सनल फेवरेट है। नंबर 3 पर जो मूवी है वो है हॉट टब टाइम मशीन। दोस्तों ये मूवी आई थी साल 2010 में। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है 4 दोस्तों की, जो कि वीकेंड पर हॉलीडे मनाने के लिए एक होटल में एक स्वीट बुक करते हैं, जिसमें एक बाथटब होता है, जिसमें एक दिन ये चारों नहा रहे होते हैं और एक्सीडेंटली अपने पास्ट के टाइम में चले जाते हैं, यानी जब वो टीनेजर थे, स्कूल में पढ़ते थे, वो उस टाइम में कैसे पहुंच जाते हैं और वहां उनके साथ क्या होता है, ये देखना है आपको मूवी में। ये मूवी भी एक बेस्ट कॉमेडी मूवी है, जिसको IMDb ने रेटिंग दी है 6.4 की। नंबर 2 पर जो मूवी है वो भी एक टाइम ट्रेवल मूवी ही है। दोस्तों ये मूवी थोड़ी पुरानी है पर मास्टरपीस है। मैं बात कर रहा हूँ ईयर 1985 में आई फिल्म बैक टू द फ्यूचर के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5 की। मूवी में स्टोरी दिखाई गई है मार्टी नाम के एक लड़के की, जिसके माँ बाप हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं और इसी के चलते वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस रहता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक साइंटिस्ट से, जो एक ऐसी कार बनाता है जो टाइम में पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सके। इसके बाद मार्टी उस टाइम ट्रेवल कार का कैसे यूज़ करता है, ये देखना है आपको मूवी में। दोस्तों नंबर 1 पर जो मूवी है वो है रश आवर्स। दोस्तों ये मूवी आई थी ईयर 1998 में और इस मूवी के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं। बात करें मूवी की स्टार कास्ट की, तो मूवी की स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेंगे जैकी चैन और क्रिस टकर। बात करें मूवी की स्टोरी की, तो मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक चाइनीज एजेंट की, जो एक मिशन के चलते अमेरिका आता है, जहाँ उसे मिलता है एक बेवकूफ़ इंस्पेक्टर कॉटर, जो उसके साथ मिलकर ये मिशन पूरा करता है। मूवी में भर भर कर कॉमेडी सीन और डायलॉग्स दिए गए हैं। मैं आपको पर्सनली ये मूवी रिकमेंड करूंगा। बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो मूवी को IMDb ने रेटिंग दी है 7/10 की। आज मैं तुझे ऐसी लात मारूंगा कि तू नेपाल ले तो भोपाल जाएगी, औरत होकर मर्दों जैसा लड़ती हो। तो दोस्तों ये थी हॉलीवुड की 5 बेस्ट कॉमेडी मूवीज। इनमें से कौन सी मूवी आपने देखी हुई है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।